बात पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस में जारी है कैप्टन और सिद्धू में घमासान। सिद्धू की ताजपोशी पर कैप्टन ने फिर से पेच फंसा दिया है। सिद्धू माफी मांगे तो ताजपोशी पर एतराज नहीं है, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब प्रभारी हरीश रावत को अमरिंदर की दो टूक। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर और हरीश रावत में मुलाकात हुई थी। काफी देर तक दोपहर में इस मुलाकात का सिलसिला चला था। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता है आलाकमान। सोनिया गांधी का फैसला मानने के लिए कैप्टन तैयार हैं सोर्सेस के हवाले से, लेकिन शर्त यह कि पहले सिद्धू माफी मांगे और इसी के बाद मुमकिन हो पाएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और बड़ी खबर यह है कि सिद्धू को रोकने के लिए कैप्टन ने सारे पत्ते खोल दिए हैं। धुर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात कैप्टन अमरिंदर ने की है। अमरिंदर सिंह के सेस्वा फार्म हाउस पर यह मुलाकात दोनों के बीच में हुई है। धुर विरोधी हैं प्रताप सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर के, लेकिन उनसे भी मुलाकात की है कैप्टन अमरिंदर ने। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह से भी अमरिंदर की मुलाकात हुई है। और सिद्धू को रोकने के लिए ये पूरी कवायद है, यानी कि कोई भी ऐसी कोशिश छूट ना जाए। इस वक्त कैप्टन अमरिंदर इस कोशिश में है कि कैसे सिद्धू को रोका जाए। धुर विरोधियों से मुलाकात हो रही है, इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह से भी मुलाकात अमरिंदर सिंह की हो चुकी है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे पंजाब की कलह खत्म होगी, क्या फॉर्मूला निकल सकता है। बिग बॉल के जरिए अभी तक की बातचीत में जो चीजें निकल कर आई हैं, एक ये कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है। आपको याद होगा हरीश रावत ने सजेस्ट किया था ताकि सिद्धू को भी मनाया जा सके और कैप्टन भी बरकरार रहे। सिद्धू के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, इस पर फॉर्मूले पर डिस्कशन अभी किया जा रहा है। तीन कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन की पसंद के होंगे, तो यानी कि बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। दलित और हिंदू समुदाय से एक एक चेहरा इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चारों कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द ही मुमकिन है और इसके साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की कैप्टन को छूट दी जाएगी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो कैप्टन के पास रहेगी। मंत्रिमंडल में दलित हिंदू को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका फैसला कैप्टन ले सकते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूले पर लगातार विचार हो रहा है और मुमकिन है कि इस पर फाइनल मुहर भी जल्द लग जाए औपचारिक ऐलान के साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।